हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। आज हम आपको दिखा रहे हैं पतरातू डैम का नज़ारा और पतरातू के डैम के नीचे जो मंदिर है उसका नज़ारा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा जब तक कि हम आपको डैम ना दिखाएं। और आप लोग मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए मेरा बनाने में एक्साइटमेंट। बताइए कुछ कैसे बनाना है, नहीं बनाना है अभी तो नए लगते हैं, लेकिन बताइए कुछ, आप कुछ नहीं बताइए करते कैसे होगा, तो कमेंट भी कीजिए। कमेंट सबसे पहले कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। अब हम चढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ से लगता है काफ़ी ऊंचा जाना पड़ता है, बांध बना। वीडियो तो छूट गया था लेकिन फिर से शूट करना पड़ेगा। लोग जुड़े रहिए अभी नीचे वाला हम दिखाते हैं चढ़ने के बाद। यहाँ से ये है पतरातू डैम का नज़ारा। ये नीचे का है, डैम तो चढ़े नहीं है, चढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत थका सा महसूस हो रहा है। क्या तकलीफ करना पड़ रहा है हम दोनों को, बहुत दूर से आए हैं, यहाँ से आए हैं। इधर का इस्पात लग रहा है हमको, फैक्ट्री सब अब तो लगता है चढ़ चुके हैं। इतना और चढ़ते हैं, अब हम पहुँचने ही वाले हैं, बस दो चार कदम और हैं। और अब हम दिखा रहे हैं आपको, ये है पतरातू डैम घाटी में मिलेंगे जो रामगढ़ जिला में पड़ता है। तो फोटो और यही कुछ नज़ारा है पतरातू डैम का, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं पतरातू मंदिर, पतरातू वैली, पतरातू डैम, ये तीन जगह पे आपको बहुत अच्छा लगेगा घूमने में। और नीचे से कुछ ये सब नज़ारा है, पतरातू का मंदिर सामने ही है, उसके बाद उसका झरना सामने है, झरना बोलिए, उसके बाद जो जिसको बांध, छोटा सा बांध है। और कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आप घूम के देखिए, विजिट कीजिए। रामगढ़ जिला में पड़ता है पतरातू, तो वहीं पे मिला हम। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब जा रहे हैं हम नीचे की ओर, हमको निकलना है पतरातू वैली और उसके बाद रांची। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।